बहुत समय पहले की बात है, राहुल नाम का एक लड़का अपनी पत्नी सीता और अपनी माँ शीला और बहन कामिनी के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और इसी वजह से उसकी सास शीला उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो पूरे दिन उसको ताने देती और घर के सारे काम उससे कराती। एक आमचार, चल जल्दी से चाय बना और उसके बाद मेरे कमरे की सफाई कर दियो। कुछ भी नहीं करती, पूरे दिन आराम करती रहती है बस। कर्म घुट गए मेरे तो। और इतना ही नहीं, वो उसको पीटा भी करती थी। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन उसकी ननद कामिनी अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है आज? माँ आप बस चाय ही पियो, आपको पता नहीं है घर में क्या चल रहा है। ऐसा क्या हो गया जो तू लाल पीली हो रखी है? माँ आपको पता भी है आपके पीछे क्या चल रहा है यहाँ? अब क्या बताऊँ मैं आपको, राहुल भैया आपके हाथों से निकल चुके हैं अब। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है तू? ये नहीं हो सकता, वो मेरे हाथों से नहीं निकल सकता। पागल हो गई है क्या तू? तुझे पता नहीं है वो मेरा सौतेला बेटा है और वो बस मेरे ही इशारे पर नाचता है। बस माँ अब बस करो, आपको शायद पता नहीं है आपका बेटा आपके हाथों से निकल चुका है। अरे क्या बोल रही है तू? हाँ माँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, कल भैया भाभी के लिए एक नया सोने का हार लेकर आए हैं। हमारे लिए तो आज तक 10 रुपए का सामान तक नहीं लेकर आए और उस अनपढ़ के लिए सोने का हार लेकर आए हैं। अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है, अब हम क्या करें? अरे माँ आप चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, बस आपको मेरा साथ देना होगा थोड़ा सा। फिर देखना मैं किस तरह इस अनपढ़ भाभी को घर के बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर शीला बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही एक एक करके कुछ दिन और निकलते हैं और एक दिन प्लान के मुताबिक शीला बीमार होने का नाटक करती है। वो अपनी बहू को बुलाती है। अरे बहू कहाँ मर गई? बचाओ मुझे जल्दी, यहाँ आ, दवाई ला मेरे लिए। जब आएगी क्या जब मैं मर जाऊंगी, जल्दी आ यहाँ। तभी भागती हुई सीता वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे ओ माँ जी की बच्ची, देख नहीं रही क्या मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है? जल्दी जा और मेरे लिए दर्द की दवाई लेकर आ, अभी जाती हूँ माँ। वो फटाफट अपने कमरे से अपनी सास के लिए दवाई लेकर आती है, पर उसको नहीं पता था कि वो दवाई नहीं बल्कि जहर है जिसको उसकी ननद ने बदल दिया था। तभी उसकी ननद अपने भाई के साथ वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, देख लो भैया आज खुद ही ये माँ को आज दवाई की जगह जहर पिला रही है ताकि हमारी माँ मर जाए। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, मैं माँ को जहर क्यों दूंगी, ये मेरी भी तो माँ है, ये जहर नहीं है ये तो दवाई है, आपने ही तो दी थी ये दवाई मुझे, अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो दीदी? देख रहे हो भैया, एक तो माँ को जहर दे रही है, ऊपर से भोली और बन रही है, कैसी औरत है ये, और अब मेरा नाम लगा रही है। अच्छा हुआ आप आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए, वरना आज तो पता नहीं क्या हो जाता भैया। क्या बेटा ये मुझे जहर पिला रही है, हे भगवान कर्म घुट गए मेरे, ऐसी बहू मेरे घर आई जो मेरी ही जान लेने पर आ गई है। भगवान उठा ले मुझे, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था बस, बुढ़ापे में क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। बहू तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? ये सब देखकर राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है। आप तो कम से कम मुझ पर भरोसा करिए, आप तो पति हैं मेरे, मैं सच बोल रही हूँ, मैं माँ को नहीं मारना चाहती थी और जहर देने का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, मुझे नहीं पता ये जहर कहाँ से आया है। पर उसका पति उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। वो भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
और रोते रोते वो निकल जाती है जंगल की तरफ। वही एक पेड़ के नीचे वो बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती। अगर मैं घर गई तो मेरे बूढ़े माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ आती है एक चुड़ैल, एक डरावनी चुड़ैल। वो चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे डरो मत, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ से आई हो, किस गांव की हो और इस घने डरावने जंगल में क्या कर रहे हो तुम? आप कौन हो और आप अचानक से कहाँ से आई हो? मैं इस चंदन के चुड़ैल हूँ और तुम मेरे ही इलाके में खड़ी हो अभी। प्लीज मुझे मारना मत आप। अरे नहीं नहीं, मैं इंसानों को नहीं मारती अब। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बातों से तो तुम भली औरत लगती हो। और उसकी ऐसी बात सुनकर सीता उसको अपनी सारी बातें बता देती है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी झूठा इल्जाम लगाकर, और अब मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। मैं क्या करूं? ओह बच्ची, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, पर कोई बात नहीं, तू रो मत, मैं करूंगी तेरी मदद। आप कैसे कर सकते हो मेरी मदद? मैं तुमको बादलों में जादुई सिंह के घर में भेज देती हूँ। वहाँ तुमको बहुत सारा आराम मिलेगा और पैसा और खाना भी, और तुम खुश रहोगे वहाँ बहुत। और तभी चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी निकालती है और जादू से उसे बादलों में भेज देती है। वहाँ उसको दिखता है एक सेब का घर। वो अंदर जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है उसको बहुत सुंदर सा एक महल दिखाई देता है। वहाँ बहुत सारा सोना दिखता है उसे। वो थोड़ी देर आराम करती है। क्या ये मेरे साथ जो हो रहा है ये सब सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? वो वहाँ कुछ दिन बिताती है, फिर वहाँ से थोड़ा सा पैसा वापस लेकर आ जाती है धरती पर। वो एक सुंदर सा घर बनवाती है अपने लिए और फिर मस्त आराम से रहती है बिना किसी टेंशन के और डर के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो।